हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ऑनलाइन नमामि गंगे का जो एक ऑनलाइन कंपटीशन आया है, डेट वन इज़ गंगा क्वेस्ट, अगर इसमें आपने एज ए स्टूडेंट और एज ए स्कूल रजिस्टर करना है तो कैसे करेंगे, वो सारा हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है gangaquest.com, इसमें जाकर आप रजिस्टर हेयर पर यहाँ देखिए एक लिंक बना है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो लिंक्स बनेंगे, एक में यहाँ पर आएगा इंडिविजुअल और स्कूल। तो सबसे पहले मैं इंडिविजुअल पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नाम लिखेंगे, जे मैं एज ए स्टूडेंट रजिस्टर कर रहा हूँ, स्टूडेंट का नाम, उसका लास्ट नेम, उसकी ईमेल आईडी, ये आपने डिटेल सारी प्रॉपरली फिल करनी है, बिकॉज़ अगर आपका कुछ मिस्टेक वगैरह हो जाए फॉर्म में तो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पासवर्ड फिल किया और यहाँ पर मोबाइल नंबर मैंने फिल कर दिया और आई जो भी इनका लाइसेंस वगैरह एक्सेप्ट करके सेंड ओटीपी किया, और जो यहाँ पर मैंने नंबर फिल किया इस पर एक ओटीपी जाएगा, वो मुझे ओटीपी यहाँ फिल करना होगा। एंड देन आफ्टर फिलिंग द ओटीपी यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस ओके होगा। तो ओटीपी फिलहाल आपको साथ के साथ ही आ जाएगा, कई बार लिटिल बिट टाइम लग जाता है। सो ओटीपी जब आप फिल करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस सारा तभी एक्टिवेट होगा आपका। तो यहाँ ओटीपी आ गया, मैं यहाँ पर ओटीपी फिल कर देता हूँ दिस एरिया पर, तो इसको आप वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद ये आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको यहाँ पर मैं साइट पे क्लिक कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। नाउ उसके बाद आप करेंगे लॉगिन। यहाँ पर देखिए लॉगिन बना है, लॉगिन पर क्लिक करिए। आपने एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर किया तो एज ए इंडिविजुअल लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा जो आपने को फ़ोन नंबर पर आया, और यहाँ पर आपका पासवर्ड आएगा और फिल करके आप लॉगिन कर दीजिए। अगर आपसे भूल गए हैं, डिलीट हो गया, तो फॉरगेट यूज़र नेम पासवर्ड करिए, तो वो आप रिकवर कर सकते हैं जो आपने डिटेल फिल किया, लाइक योर ईमेल आईडी और योर फ़ोन नंबर। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ से आप अपनी फ़ोटो ऐड करेंगे। तो आपकी फ़ोटो मैंने यहाँ से ऐड कर दी, और इसको आप बाद में रिमूव भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। कौन सी क्लास के लिए आप देना चाहते हैं, मैं क्लास 10th के लिए देना चाहता हूँ स्कूल, तो मैंने DAV स्कूल लिख लिया। क्लास 10th के लिए आइडेंटिटी कार्ड क्या है आपके पास, फिलहाल आधार कार्ड है, जो भी आपकी डिटेल है वो आप यहाँ पर सेव कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड फिल कर दिया, बच्चे का नाम आ गया, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ गई, यहाँ पर दिस वन मदर्स नेम आ गया, उसके बाद यहाँ पर जेंडर आ जाएगा बच्चे का, एड्रेस आ जाएगा, सिटी। मैं फिलहाल ये डमी एंट्री आपको करके बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल्स इनकरेक्ट फिल कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो सिटी आपकी वही सिटी आएगी। फिलहाल यहाँ मैंने ये स्टेट फिल कर दी है, जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। कंट्री तो चलिए फिलहाल इंडिया ही है यहाँ पर, तो इसको आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब बाई चांस आपसे कोई डिटेल गलत फिल हो गई है तो आप उसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए इंडिया के कितने एशन हुए, अदर कंट्री के, वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो प्रोफाइल में जाकर, एडिट प्रोफाइल में जाकर आपसे जो गलती हो गई है वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ अपनी जो प्रॉपर लोकेशन थी वो मैंने कर दी, मुझसे गलती से हो गया था, तो आप ऐसे करेक्ट करके यहाँ से सबमिट प्रोफाइल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक सैम्पल क्विज दिया गया है, आप सैम्पल क्विज से देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस आएंगे। लेट्स प्ले गंगा क्विज 2020, ये यूट्यूब पर एक यहाँ पर वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे आपका हो सकता है ऐसा आपका क्विज आएगा। ये फिलहाल 2019 का भी 20 का आएगा, ऐसा कुछ इंटरफेस होगा जब आप आंसर्स वगैरह देंगे ऑनलाइन। तो इसकी डिफरेंट डेट्स है, वो डेट्स आप इनके सर्कुलर पे देख सकते हैं, इसकी प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई है। और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी मिलेगा, जब आपका पूरा क्विज हो जाएगा तब मिलेगा। यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर लॉन्च ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको होगी 7 अप्रैल को होगी, या 22 को इनका जो फर्स्ट होगा टेस्ट स्टार्ट होगा, एक इनका 22 को होगा, और इसका जो रिजल्ट है वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वो आएगा जून 5 को। तो यहाँ से प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, डैशबोर्ड में आपका जो फ्रंट डैशबोर्ड है वो आ जाएगा, यहाँ से फोटो वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारा था कि अगर आप एज ए स्टूडेंट कैसे लॉग इन कर सकते हैं, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। अब ऐसे स्कूल आपको मैं करके बताता हूँ, तो स्कूल के लिए मैं यहाँ पर स्कूल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले स्कूल की आईडी यहाँ फिल करेंगे। यहाँ पर स्कूल की आईडी फिल कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर स्कूल का मोबाइल नंबर, ये मैं डमी एंट्रीज दे रहा हूँ, ये
आप जो भी स्कूल में वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग देंगे। नंबर सेम भी चलेगा आपका, जो आपने एज ए स्टूडेंट किया एज ए स्कूल किया दोनों चलेंगे। आपके फ़ोन पर आपको फिर से एक OTP आएगा, वो आपने OTP यहाँ फिल करना है। आफ्टर फिलिंग द OTP आपकी नेक्स्ट प्रोसेस होगी आगे। तो यहाँ पर OTP आ गया, फिल कर दिया, वेरीफाई कर दिया मैंने, और आपके पास यहाँ पर ये नंबर आ गया। उसको मैं ये साइट पर सेव कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पर फिर आप लॉगिन करेंगे। अगेन सेम वही प्रोसेस है, लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आप एज ए स्कूल अब लॉगिन करेंगे, जैसे मैंने पहले एज ए इंडिविजुअल किया था। तो यहाँ पर आपका राशन नंबर, आपका पासवर्ड, उसके बाद यहाँ से आप लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें आप भरेंगे अपना UDIS कोड जो कि 11 नंबर का होता है। जैसे मैं यहाँ पर डमी फिल कर देता हूँ, और यहाँ पर स्कूल का नाम मैंने दे दिया DAV स्कूल, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। और एड्रेस यहाँ पर मैं देता हूँ पंजाब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ देता हूँ HSP, स्टेट पंजाब, पिन कोड वहाँ का, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और उसके बाद साउंड डिटेल। यहाँ से सबमिट प्रोफाइल कर दीजिए। यहाँ आप स्कूल की फ़ोटो भी लगा सकते हैं, है तो नहीं लगानी कोई इशू नहीं है तो भी चलेगा प्रोफाइल में। यह आपको मैंने बता दिया, एडिट प्रोफाइल और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट का देखिए, यहाँ आप रिकॉर्ड कैसे ऐड करेंगे। ऐड ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड पर क्लिक करिए, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा नई चीज़ है। यहाँ पर आप एक्सेल फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए डाउनलोड एक्सेल फाइल है, तो एक्सेल फाइल देखिए कैसे आपने क्या क्या अपलोड करना है स्टूडेंट का डाटा। जब आप स्टूडेंट का डाटा डाउनलोड करेंगे तो कुछ उसमें जो ब्लॉक्स हैं वो आपने फिल करने हैं। स्टूडेंट के जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स होंगे वो डिटेल सारी फिल करके आप ये एक्सेल फाइल अपलोड कर देंगे, सेम वैसे ही जैसे आपने डाउनलोड की थी। तो देखिए जैसे इसमें आएगा, जैसे उन्होंने ऐसे सैंपल दिया है, फर्स्ट नेम आशुतोष, लास्ट नेम गौतम, मदर नेम दिया गया है, क्लास दी गई, सेक्शन दिया गया है, स्टूडेंट का यहाँ आईडी कार्ड का नंबर दिया गया, ईमेल आईडी दी गई है, जेंडर, पासवर्ड उसका दिया गया है, स्कूल एशन नंबर दिया गया है, सोन। सो ऐसे आप जितने भी स्टूडेंट हैं सभी की डिटेल ऐड करके एक्सेल फाइल को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ से आप उसको अपलोड कर देंगे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सिंगल सिंगल रिकॉर्ड ऐड करना पड़ता है। ये बहुत अच्छा इन्होंने एक जो ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम सेव करेगा। अदरवाइज ऐड इंडिविजुअली में देखिए कितने आप रिकॉर्ड खुद फिल करते हैं मैनुअली। यहाँ एक बच्चे का रिकॉर्ड, फिर से दूसरे का, फिर से तीसरे का, बहुत टाइम लगता। और उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट आप देख सकते हैं, ये बाद में भी लिस्ट आपकी शो होगी, कितनों ने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, सारा यहाँ पर शो करेगा। जब आप वहाँ से अपलोड कर देंगे ऑनलाइन, यहाँ पर आपकी एंट्री शो करेगी। चार्ट्स में आप उनका स्टेटस देख सकते हैं, जब उनका टेस्ट क्वालिफाई वगैरह होगा, कितने बच्चों ने कितना परफॉर्म किया, कैसा रिजल्ट आया, और सब कुछ करने के बाद स्कूल यहाँ से लॉग आउट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे दो मेथड्स जिसकी हेल्प से आप एज ए स्कूल लॉग इन कर सकते हैं। एज ए स्कूल तो चलिए आपका स्कूल ही करेगा, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, एज ए स्टूडेंट लॉग इन करिएगा। बिकॉज आपको प्रीवियस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपकी जो डिटेल है बैकएंड में वेरीफाई होगी, तो इसलिए अगर आपकी डिटेल मिसमैच हुई या कोई उसमें प्रॉब्लम हुई तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड, ये प्रोसेस करके देखिए। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सो दैट इन फ्यूचर जो भी नया अपडेट आएगा, नया वीडियो आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर प्रीशियस टाइम।